स्वागत है आपका SWB में। दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल होने वाली भारत की इकलौती महिला दीपिका पादुकोण बन गई हैं। दीपिका ने मेट गाला में 75वें कॉन फिल्म फेस्टिवल जूरी में एकमात्र भारतीय के रूप में और अपनी मानसिक स्वास्थ्य वकालत के काम के लिए सुर्खियां बटोरी हैं। दीपिका पादुकोण की वैश्विक प्रमुखता का अक्सर उल्लेख किया जाता है। वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। उन्होंने मेट गाला में 75वें कान फिल्म फेस्टिवल जूरी में एकमात्र भारतीय के रूप में और अपने मानसिक स्वास्थ्य वकालत के काम के लिए सुर्खियां बटोरी। 10 खूबसूरत महिलाएं एक वैज्ञानिक ने इसका इस्तेमाल किया। किम कार्दशियन, बेला हदीद, बेयोंसे और एरियाना ग्रांडे सहित दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं को निर्धारित करने के लिए सौंदर्य का सुनहरा अनुपात। अन्य नामों में जोडी कॉमर, टेलर स्विफ्ट, जर्दन डन, जेंडाया और होयोन जंग शामिल है। दीपिका पादुकोण है सौंदर्य सूची के सुनहरे अनुपात में एकमात्र भारतीय जो शारीरिक पूर्णता को मापता है। दीपिका पादुकोण की फिल्में दीपिका एक व्यस्त फिल्म शेड्यूल की उम्मीद करती है। वो 4 साल में शाहरुख खान की पहली फिल्म पठान में होंगी। दीपिका और शाहरुख की एक साथ 4थी फिल्म है पठान। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में जॉन अब्राहम है। वो महेश बाबू और प्रभास के साथ भी अभिनय करेगी। अभिनेत्री ने प्रभास की प्रोजेक्ट के फिल्म करना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने महेश प्रोजेक्ट का खुलासा नहीं किया है। SS राजामौली आर है SSMB 29 को निर्देशित करने के लिए उत्साहित है। अमिताभ बच्चन के पास रॉबर्ट डी नीरो और एनी हैथवे अभिनीत द इंटर्न का हिंदी रीमेक भी है। उनके विकल्पों में ऋतिक रोशन और फाइटर शामिल है।